उर्दू पर। मुस्तमराती दर्जे की हुकूमत मांगने नहीं आया हूं और ना उसके हुसूल पर यकीन रखता हूं। सिर्फ एक चीज जिसका अहद कर चुका हूं वो आजादी कामिल है। अपने वतन को वापस मैं सिर्फ उस सूरत में जाना चाहता हूं कि अरमगान आजादी मेरे हाथ में हो, वरना एक गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुम हमें हिंदुस्तान में आजादी न दोगे तो यहां तुम्हें मुझे एक कब्र तो देनी ही पड़ेगी। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की लाज रखी। गोल में इस कॉन्फ्रेंस नाकाम साबित हुई। 4 जनवरी 1931 को सुबह 9:30 बजे लंदन के हाइट पार्क होटल में आपने दाइये अजल को लब्बैक कहा। आपका जनाजा बराहे मिस्र फलस्तीन ले जाया गया। आलम इस्लाम के हुकुमरा, अकाबिर, उलेमा और बैनुल अक्वामी शख्सियात आपके जनाजे में शरीक हुई। मुफ्ती आजम फलस्तीन ने इस मुजाहिद आजम की नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर ये बैतुल मक़दस की पाकीज़ा सरजमीन में आसूदा हुआ। आदाब नाजरीन, आज जिक्र मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। आप एक मुमताज सियासी लीडर, एक अहम कौमी मिल्ली रहनुमा, आला दर्जे के मुकर्रर, उर्दू और अंग्रेज़ी के बुलंद पाया इंशा परदाज, अदीब, एक मुनफरिद शायर और सहाफ़ी थे। मुल्क की आज़ादी के लिए सारी दुनिया को बेदार करने और सारी दुनिया को हिंदुस्तान के हालात से बाखबर करने के लिए आपने 1911 में कलकत्ता से अंग्रेज़ी हफ्त रोज़ा द कॉमरेड शाया करना शुरू किया। वालेकुम अस्सलाम। बहू, आपके लाडले आए हैं, इनके लिए ब्लैक कॉफी लेते आइएगा। जी अच्छा। क्या बात है, कॉफी का नाम सुनकर भी चेहरा नहीं खिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ौदा की नौकरी अपने बस की नहीं। क्यों, क्या हुआ? अफीम की काश्त कम हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ, और ये महाराज शियाजीराव गायकवाड़ जिनका मुलाजिम हूँ उनकी अंग्रेज परस्ती का क्या कहना। हर वो चीज जो यूरोप से मुताल्लिक है वो बेहतर और अफजल। मुगलों के बारे में ऑल फॉल बोलते हैं, औरंगजेब को जालिम कहते हैं, लेकिन मैं भी आज उसे अच्छी खासी सुना के और कायल करके आया हूँ। अजी, एकाद को कायल करने से क्या होगा। सही है, इसलिए सोचता हूँ कि एक अंग्रेजी हफ्तावार निकालूं जिसके जरिए अंग्रेजों और उनके हमनवाओं तक हिंदुस्तानियों के ख्याल, तहजीब, तमद्दुन और तारीख सब पहुँचाऊँ। वैसे भी अंग्रेजी अखबार का मुताला फैशन में दाखिल है। ओहो, तो ये बात है, तभी आप अंग्रेजी अखबार तर्जुमे के साथ सुनती हैं। चल हट शैतान। द कॉमरेड का पहला शुमारा 14 जनवरी 1911 को शाया हुआ था। ये मौलाना जौहर की सियासी जिंदगी और आजादी के लिए आपके जेहाद का बाकायदा आगाज था।
जौहर की खुशनसीबी थी कि आपको शौकत अली जैसे भाई और हुर्रियत पसंद माँ बी अम्मा नसीब हुई, जिन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया। मौलाना जौहर ने पूरी जुर्रत और बेबाकी से हुकूमत वक्त पर तनकीद की और बरतानवी इस्तेमार को चैलेंज किया। 1914 में जंग अजीम छिड़ी। लंदन टाइम्स ने एक मजमून चॉइस ऑफ द तुर्क्स के उन्वान से लिखा, जिसमें तुर्कों को धमकी दी गई थी। मोहम्मद अली इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। आपने मुसलसल 24 घंटे तक बैठकर इसी नाम से मजमून लिखा। 26 सितंबर 1914 को ये मजमून द कॉमरेड में शाया हुआ और 3 नवंबर को द कॉमरेड की जमानत जब्त हुई और इस पादाश में कॉमरेड को 10 साल बंद रहना पड़ा। द कॉमरेड का मयार बुलंद था। कॉलेजों में तलबा अपनी इल्मी इस्तबदाद बढ़ाने के लिए द कॉमरेड का मुताला करते थे। अंग्रेज भी इसे तवज्जो से पढ़ते थे। अंग्रेजी के मशहूर मारूफ मुसन्निफ एच जी वेल्स ने मौलाना जौहर के बारे में लिखा है कि उसके सीने में नेपोलियन का दिल, हाथ में मैकॉले का कलम और मुंह में बैरक की जबान है। बरतानवी हुकूमत ने जब कलकत्ता की बजाय दिल्ली को अपना दारुल खिलाफा बनाया तो मोहम्मद अली ने द कॉमरेड का दफ्तर भी 14 सितंबर 1912 को कूचा चैलान दरियागंज दिल्ली मुंतकिल कर दिया। 10 अक्टूबर 1912 का शुमारा यहीं से शाया हुआ था। यहीं से आपने 1914 में उर्दू अखबार नकीब हमदर्द की इशाअत भी शुरू की। बाद में ये रोजनामा हमदर्द के नाम से मशहूर हुआ। मौलाना मोहम्मद अली, काजी अब्दुल गफ्फार, मौलाना अब्दुल हलीम शेख जैसे अहले कलम की तहरीरों ने हमदर्द को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचाया। आपके खानदान का ताल्लुक यूपी के जिला बिजनौर के मशहूर कस्बे नजीबाबाद से था, लेकिन आपके वालिद अब्दुल अली खां बसिलसिलाए मुलाजमत रियासत रामपुर में आबसे थे। आपके वालिद नवाब रामपुर यूसुफ अली खान के मुसाहिब थे। रामपुर में 10 सितंबर 1878 को आपकी विलादत हुई। मोहम्मद अली जौहर 2 ही बरस के थे जब कमोबेश 30 साल की उम्र में आपके वालिद दुनिया से रुखसत हुए। शौहर के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा आबादी बानो बेगम ने ऐसे खुश सलीकी से अपने 6 बच्चों को परवान चढ़ाया कि आगे चलकर उन्होंने बेखौफ खतर अंग्रेजी हुकूमत की मुखालिफत की। इनमें से अक्सर अल्लाह को प्यारे हो गए। जो चंद अफराद बाकी हैं उनमें से बाज मतलए मिल्लत पर अब भी पूरी आबोताब से फिरोजा हैं। क्या समझ में आया? यही कि आप रोज किसी न किसी को पकड़कर अखबार पढ़वा ही लेंगे। अरे अखबार तो मैं इसलिए पढ़वाती हूँ ताकि हालत हाजरा से वाकिफ रहूँ और गैर मुल्की इकतदार पर मेरी नज़र बनी रहे। जब इकतदार हमारे मुल्क का है तो ये गैर मुल्की कैसे हो गया? गैर मुल्की इसलिए क्योंकि 200 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बावजूद उन्हें यहाँ की सरजमीन और आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। वो यहाँ के वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी तहजीब को फ़रोग दे रहे हैं और हमारी तहजीब और ज़बान को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। बहू, आप अंग्रेज़ों को इतना नापसंद करती हैं फिर भी आप चाहती हैं कि हम अंग्रेज़ी पढ़ें? हाँ, क्योंकि उनके दरमियान रहकर, उनकी ज़बान सीखकर, उनकी तहजीब सीखकर तुम उनके ख्यालात और उन्हें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकोगे और वक्त आने पर अपनी पूरी कोशिश के साथ उनका मुकाबला कर सकोगे। लेकिन चचा जान तो कहते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ना शरीफों का काम नहीं है। तुम्हारे चचा मेरी बात समझेंगे ज़रूर, लेकिन बाद में। तुम रामपुर के मदरसा अंग्रेज़ी में ही जाओगे। अगर वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे तो मैं अपने जेवर बेच दूँगी और फिर मेरा बेटा अंग्रेजी सीखकर मुझे रोज अंग्रेजी अखबार पढ़ के सुनाया करेगा और उसका मतलब भी बता दिया करेगा। क्यों? कहा जा सकता है कि अली बिरादरान को अंग्रेजों से नफरत का जज्बा अपनी वालिदा आबादी बेगम से विरासत में मिला था। अली बिरादरान ने अपनी वालिदा की निगरानी में कुरान करीम खत्म किया और फारसी की दरसी किताबों का मुताला किया, जिनमें गुलिस्तां, बोस्तां,
रफ्ते आलमगीरी, सिकंदरनामा, शाहनामा जैसे शाहकार शामिल थे। इसके बाद आप मोहल्ले के एक मदरसे में दाखिल हुए, फिर आपने बरेली हाई स्कूल में तालीम पाई। इसके बाद आपका दाखिला MAO में हुआ, जो उस ज़माने में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुलहक था। अलीगढ़ में अंग्रेज़ दोस्ती का माहौल था। यहाँ पर कोशिश की जाती थी कि तुलबा सिर्फ तालीम से जुड़े रहें और कोई सियासी तहरीक यहाँ कदम न जमाए। 1857 के बाद तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया था कि उनमें एहसास कमतरी पैदा हो गया था। सर सैयद ने दिल्ली की बर्बादी और यहाँ बहती खून की नदियाँ अपनी आंखों से देखी थी। वो जानते थे कि आने वाला ज़माना अंग्रेज़ों का है। उस सोच के तहत अलीगढ़ तहरीक उनका बड़ा कारनामा है, जिससे हम सब फैज़याब हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की नस्ल इम्तियाजी पॉलिसी की उन्हें शुरू से मुखालफत करनी चाहिए थी, लेकिन हर मौके पर मुफाहिमत से काम लिया। इसके बरक्स आप तो हर मौके पर अंग्रेजों की मुखालफत में शमशीर बरहना है। 1898 में दर्जा अव्वल में आपने BA का इम्तिहान पास किया। पूरी अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप अव्वल आए। BA करने के बाद आपने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज में दाखिला लिया। ICS का इम्तिहान दिया लेकिन नाकाम लौटे। भाई शौकत अली ने आपकी इस नाकामी को कुछ इस अंदाज में बयान किया। कुछ तो अंग्रेजों की मौसम बहार का दखल था और कुछ नौजवान की अहमकाना तरंग। वापस आने के बाद अजमतुल्ला खां की साहबजादी से आपकी शादी हुई। शादी के बाद आप फिर एक बार इंग्लैंड गए और BA किया। 1911 में आपने कलकत्ता से इंग्लिश वीकली द कॉमरेड की शुरुआत की। 1913 में कानपुर मछली बाजार में एक कदीमी मस्जिद का कुछ हिस्सा मुनहदिम करके सड़क सीधी करने के मामले में आपकी अंग्रेजों से ठन गई। मौलाना मोहम्मद अली सर जेम्स मिस्टन से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आप छुप छुपा कर इंग्लैंड पहुंचे और वहां की पार्लियामेंट के अराकीन को हिंदुस्तानियों के साथ होने वाले मजालिम के बारे में बताया। इसका नतीजा ये हुआ कि वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग को लंदन से हिदायत भेजी गई कि मस्जिद के मुनहदिम हिस्से को दोबारा बनवाओ। आपकी तबीयत नासाज रहने लगी थी। इस वाकये के बाद जब 1915 में आप आराम करने की गरज से अपने घर रामपुर गए, तो अंग्रेजों के तरफदार हिज हाइनेस नवाब ऑफ रामपुर हामिद अली खान ने आपको तलब किया। अलैकुम। ये कानपुर की मस्जिद का क्या मामला है? जी वो हर अंग्रेज तुम्हारी शिकायत करता है। सारे जहान को शैतान की तरह गुमराह कर रखा है। जब तक जंग जारी है आप हमारी कोठी खास बाग में नजरबंद रहेंगे। इस दौरान आपको कागज कलम नहीं दिया जाएगा और आपको अपना अखबार हमदर्द बंद करना पड़ेगा। कुल इबाद की कुर्बानी खुदा के लिए भी नहीं की जा सकती। सरकार मेरे तमाम हुकूक सल्ब कर ले, लेकिन जो खिदमत मैं कॉमरेड और हमदर्द के जरिए कौम व मिल्लत की कर रहा हूँ, वो किसी भी हालत में तर्क नहीं की जा सकती। सुबान चलाते हो। हकीम अजमल खां के कहने पर कि हमदर्द की रविश काबिले एतराज नहीं है, नवाब साहब ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अखबार निकालने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल खां के कहने पर कि मौलाना की गिरफ्तारी के क्या क्या नतायज हो सकते हैं, उनको नज़रबंदी में भी ढील मिली। आप बीमार थे, इसलिए आपको बगर्ज़ इलाज दिल्ली से होकर मसूरी जाने की भी इजाज़त मिल गई। आपकी वालिदा बी अम्मा और शौकत अली भी आपके साथ गए। दिल्ली में आपको मेहरौली के पास नज़रबंद रखा गया, फिर यहाँ से आपको छिंदवाड़ा भेज दिया गया।
छिंदवाड़ा में मिस्टर अब्दुल मजीद डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट पुलिस आपसे मिलने आए। ये तो शाह कैसर के दुश्मनों की हिमायत और हिंदुस्तानियों के हक में किसी भी किस्म के एजिटेशन से बाज रहने का आज है। आप जो भी समझे इस अहदनामे में दस्तखत कर दें तो आपको रिहाई मिल सकती है। गो, मैं बूढ़ी और ज़ईफ हूँ, लेकिन अपने हाथों में इतनी कुव्वत महसूस करती हूँ कि अगर ये किसी अहदनामे पर दस्तखत करें जिससे कौम को कोई भी नुकसान पहुँचे और ब्रिटिश हुकूमत की खुशामद हो, तो मैं अभी और इसी वक्त इनका गला घोट दूंगी। बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, साथ तेरे हैं शौकत अली भी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, हश्र में हश्र बर्पा करूंगी, पेशे हक तुमको लेकर चलूंगी, इस हुकूमत पे दावा करूंगी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। अली बिरादरान ने दस्तखत करने से इंकार कर दिया। 7 जून 1919 को दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके बैतूल जेल भेज दिया गया और नजरबंदी जेल में तब्दील हो गई। मौलाना के मुताबिक मजहब में जिंदगी के हर शोबे का हल है और ये जिंदगी की एक ताबीर का नाम है। मौलाना के यहाँ मजहब और सियासत में बहुत ज्यादा फासला नहीं है, इसीलिए वो सियासत को मजहब से अलग नहीं समझते थे। यही सोच आपको गांधी जी के नज़दीक लाने की वजह बनी। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे ही थे, हिंदुस्तानी सियासत में हिस्सा लेना शुरू ही किया था कि इस तजुर्बेकार और दानिशमंद कौमी रहनुमा मोहम्मद अली जौहर ने उनकी सियासी सलाहियत को पहचान लिया था। सलाम। बैठो खलीक, सब खैरियत है? जी जी। ये लो, ये पढ़ो। सियासत को मजहब से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मैं बगावत के हक में होऊंगा तो ऐलानिया अपने ख्याल का इजहार करूंगा और डंके की चोट पर करूंगा। ये थी कलकत्ते में तलबा को दी गई मोहनदास करमचंद गांधी की तकरीर। इस शख्स के ख्यालात मेरे ख्यालात से यकसानियत रखते हैं। जल्द से जल्द इस आदमी से राब्ता कायम करो, क्योंकि यही वो फर्द वाहिद है जो हमारे काम का हो सकता है। जंगे अजीम में तुर्की और बरतानिया एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा थे। तुर्की के सुल्तान मुसलमानों के खलीफा समझे जाते थे। तुर्की की सालमियत खतरे में थी। इसके अलावा अगर अंग्रेजी ख्याल या तहजीब व तमद्दुन और उनकी लॉबी का कोई शख्स तुर्की का सरबराह बन जाता तो अंग्रेजों की कुव्वत और बढ़ती और इस तरह अंग्रेज के पैर हिंदुस्तान में और मजबूती से जम जाते। आपने मुसलमानों को बावर कराया कि इस्लाम की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान की आज़ादी जरूरी है, इसलिए मुसलमानों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की लहर दौड़ने लगी और मुसलमान खिलाफत के नाम पर मुत्तहिद होने लगे। 28 दिसंबर 1919 को छिंदवाड़ा जेल से रिहा होने के बाद अली बिरादरान कांग्रेस इजलास में शिरकत के लिए अमृतसर पहुंचे। जलियांवाला बाग का सानेहा हो चुका था, आपने इसकी मजम्मत की। May I come in, sir? Yes. Be seated, please. Thank you, sir. सर, ये अखबार देखा आपने? आपकी तारीफ से फड़ा पड़ा है। Oh, I see. जब डायर रामबाग से चला तो उसने सोच लिया था कि वो फायर करेगा, लिहाजा उसने मजबूती के साथ फायर किए। लेकिन उसने सिर्फ वहां मौजूद लोगों पर फायर नहीं किए, बल्कि हमारे दिलों पर भी फायर किए। ये वो आदमी है जिसे मैं फर्स्ट सुनारी जानता हूँ।
मेरे साथ ऑक्सफोर्ड में था, इंटर में मुझसे मिला तो पूछने लगा कि तुम्हारी तरह जॉब करूं या न्यूज़पेपर निकाल। I found him interested in bringing out the newspaper, so I said, "Go ahead with the newspaper." किस्मत के सितम ज़रीफ़े, देखिए उसके क्रिटिसिज्म का सेंटर में मैं ही बना रहता हूँ। 1919 में अमृतसर में आप कांग्रेस के डेलीगेट बने और यहीं पर खिलाफत रेजोल्यूशन पास हुआ। गांधी जी के खिलाफत तहरीक में शामिल होते ही बहुत से हिंदू इसमें आ गए और बहुत से मुसलमान कांग्रेस में शामिल हो गए। तहरीक खिलाफत के साथ ही तहरीक अदम तआवुन की शुरुआत हुई और फिर दोनों तहरीकें एक दूसरे में ऐसी जम हुई कि अंग्रेजी इख्तदार की चूल्हे हिला दी। 8, 9, 10 जुलाई 1921 को कराची में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सदारत में खिलाफत कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। इस कॉन्फ्रेंस में आपने हिंदुस्तानी मुसलमान सिपाहियों का अंग्रेज़ों की फ़ौज में शामिल होकर तुर्की के खिलाफ बंदूक उठाना हराम करार दिया। इस इल्ज़ाम में 160B 131 ताज़ीरात हिंद इस्तगासा दायर किया गया। आपको 2 साल की कैद हुई। आपकी पूरी जिंदगी कौम मुल्क के लिए वक्फ रही। आप लिखते हैं, जो शख्स 2-3 दिन भी मेरे पास रहा होगा वो भी कह सकेगा कि मैं दिन रात के 24 घंटे में से कितना वक्त अहलो आयाल के दरमियान सर्व करता हूं। कई दिन गुजर जाते हैं हर बच्चों की शक्ल तक देखने में नहीं आती। खिलाफत और तर्क मबाला तहरीकों में आप ऐसा मसरूफ हुए कि महीनों घर का रुख न कर सके। इस दौरान आपकी साहबजादी आमिना बहुत बीमार पड़ गईं। बेटी की बीमारी का तार आपको मौसूल हुआ लेकिन तब भी कौमी और मिल्ली मसाइल में आप ऐसा उलझे रहे कि घर नहीं पहुंच पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या हुआ? खत आया है खुद नहीं आया। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ खिलाफत, फिर अखबार है। बहुत काम रहता है ना तुम्हारे अब्बा को, आ जाएंगे। कब? जब मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची, जाने की उम्र तो मेरी है, तुम्हें तो अभी बहुत बहारें देखनी है। मैं हूं मजबूर पर अल्लाह तो मजबूर नहीं। या तुझसे मैं दूर सही, वो तो मगर दूर नहीं। मौलाना मोहम्मद अली 1906 में बनने वाली पार्टी मुस्लिम लीग के बानियों में से थे। आगा खां स्वयं की देखरेख में बनने वाली इस पार्टी का मकसद शुरुआत में मुसलमानों के तालीमी, इक्तिसादी, समाजी और तहजीबी हुकूक का तहफ्फुज़ करना था। मुसलमानों के लिए मुनासिब है कि हिंदुओं के साथ शरीक होकर हिंदुस्तान को आजाद कराएं। हिंदुस्तान में बिलाशुबा कुछ अकलियतें जरूर हैं और यकीनन हमको उनके लिए ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि वो महसूस करें कि आइंदा हुकूमतें हिंद एक या दो अकवाम की हुकूमत न होगी
बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों की हुकूमत होगी। इसमें जात और अकायद का इम्तियाज बाकी न होगा। खुदा ने हमें वैसा ही आजाद पैदा किया है जैसा कि जॉर्ज पंजुम को। हिंदुस्तान को आजाद होने दीजिए ताकि कोई शख्स आइंदा किसी हिंदुस्तानी मर्द और औरत के बारे में ये न कहे कि तू पैदाइशी गुलाम है। आप जिया बेतिस के मरीज थे। अपनी सख्त अलालत के बावजूद मुल्क को आजाद देखने की ख्वाहिश से मजबूर होकर आप लागरी के बावजूद 1931 में लंदन में होने वाली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए। लॉर्ड इरविन एक तरफ तो आपको इलाज के लिए मसूरी भेजते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं लंदन जाकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। क्यों? वो जानते नहीं कि आप खड़े भी नहीं हो सकते। मेरी सेहत की नासाजी और हर तरफ से मेरी मुखालिफत के बावजूद अगर इरविन चाहते हैं कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूं तो ज़रूर ख़ास बात होगी। लेकिन आपकी सेहत। कुछ मत कहिए। मैं सारी ज़िंदगी काम के लिए ज़िंदा रहा और इस वक्त काम से मुंह मोड़ना ऐसा ही है जैसा कि बुज़दिल करते। आप स्ट्रेचर पर लेटकर इंग्लिस्तान गए। गोल मेज कॉन्फ्रेंस नाकाम साबित हुई लेकिन आज़ादी का ये शहदाई बिना अरमुगाने आज़ादी लिए वतन वापस नहीं लौटा। है रश्क एक फलक को जौहर की मौत पर, ये उसकी देन है जिसको परवरदिगार दे। कहाँ गए वो लोग जिनकी कलम का लोहा तलवार की धार से ज़्यादा तेज था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर के पुरजोश कलम को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।